बच्चों, कक्षा दूसरी का उसे घड़ी अध्याय दो, तीन अंक की संख्या, मतलब तीन अंकों वाली संख्या। इस अध्याय में आपको तीन अंकों के वाली संख्या के बारे में बताया गया है, जैसे 100 प्लस धन का निशान एक बराबर 101, 100 × 2 बराबर 102, 100 × 3 बराबर 103, 100 × 4 बराबर 104, 100 × 5 बराबर 105। तीन अंकों की संख्या है, मतलब तीन अंक की संख्या, तीन अंक की संख्या है, मतलब आपको 99, मतलब 99 के बाद में जो तीन अंकों की संख्या बन जाती है 100, वो तीन अंकों की संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 101 मतलब तीन अंकों की संख्या, तो इसकी स्थान कैसे की देखेंगे आप, 101 एक इकाई, 0 दहाई और 1 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ऐसे इनकी स्थिति जानेंगे कि तीनों की स्थिति क्या है। 101 में तीनों की स्थिति क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा। ऐसे ही तीन अंक की संख्याओं में तीनों की स्थिति जानेंगे और आपको तीन अंक वाली गिनती लिखनी। अभ्यास, आपको 100 सबसे तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये भी ध्यान रखना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। अब आपको यहाँ पे गिनती दी हुई है, 101 से लेकर 200 तक की संख्या लिखनी, तो इसको गिनती भी कहते हैं 101 वाली। तो आपको 101 से लेकर 200 तक की संख्या लिखना है, मतलब गिनती लिखना है, जो आप पहले इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110, ऐसे सीक्वेंस वाइज आपको गिनती लिखनी है अपनी कॉपी में। वैसे ही प्रश्न नंबर दूसरे में 201 से लेकर 300 तक की संख्या लिखनी है, मतलब 200 वाली गिनती लिखनी है आपको, 201 वाली, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 और 210, ये संख्याएं आपको लिखनी है। तो ये आपकी गिनती भी हो जाएगी और तीन अंकों की संख्याएं हो जाएगी कि आपके तीन अंकों की संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। वैसे तो 100 से लेकर 999 तक, 101 से लेकर 100 से लेकर 999 तक की आपकी संख्या तीन अंकों वाली कहलाती है। इसके बाद जब 1000 हो जाता है तो 4 अंकों वाली संख्या बनती है। 999 आपके तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 999। 101 और 201 की गिनती के बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्न को अंकों में लिखिए। आपको शब्दों में लिखे हुए तो उनको आपको अंकों में लिखना है, और फिर अंकों में लिखे हुए हैं तो आपको उनको शब्दों में लिखना है। 114 हिंदी में लिखा हुआ है तो आपको उसको गिनती में लिखना है। 114 114 फिर 121 फिर 701 फिर उधर 108 और 506 है, वो आपको करने हैं। ऐसे ही अंकों में शब्दों वाली गिनती को अंकों में लिखना है और अंकों वाली गिनती को शब्दों में लिखना है। निम्न को शब्दों में लिखिए, जैसे 721, 721 को आप शब्दों में कैसे लिखेंगे,
721 ऐसे लिखेंगे, मतलब जस्ट उसका उल्टा करना है। वो शब्दों में लिखे हैं तो उनको अंकों में लिखना है, और ये अंकों में लिखे हैं तो इनको शब्दों में। 201 तो 201 आप ऐसे लिखेंगे, 307 तो 307 आप ऐसे लिखेंगे, उधर 219 लिखा हुआ है और 111 तो आप ऐसे लिखेंगे। अब अंकों और शब्दों के बाद में विस्तारित रूप में लिखना, आपको उदाहरण दिया हुआ है 190 तो इसका वन एक सैकड़ा है, आठ दहाई है और नौ इकाई है, तो इसकी स्थिति कैसे लिखनी है आपको, 100 एक सैकड़ा मतलब 100, आठ दहाई मतलब 80 और नौ इकाई मतलब सिर्फ 9, तो ये आपकी तीन अंकों वाली संख्या की स्थिति है, सैकड़ा दहाई और इकाई। सैकड़े में क्या लिखेंगे आप, एक दो जीरो तो ये आपका सैकड़ा हो गया, दहाई में क्या लिखेंगे आठ और एक जीरो तो ये आपका दहाई हो गया, और इकाई में नौ, नौ अकेला है क्योंकि वो इकाई है, इकाई में एक, दहाई में दो, सैकड़ा में तीन। ऐसे आपको संख्याएं लिखनी है और विस्तारित रूप लिखना है। विस्तारित रूप में नीचे 312 दिए हुए हैं, 312 को सैकड़ा कौन सा है, दहाई कौन सा है और इकाई कौन सा है, ये इकाई पता है, ये दहाई और ये सैकड़ा, तो सबसे पहले सैकड़ा, तीन सैकड़े, एक दहाई और दो इकाई। मैं आपने सैकड़ा दहाई और इकाई देख लिया, विस्तारित रूप भी देख लिया 312 का। अब 312 में तीन सैकड़े, एक दहाई और दो इकाई आती, तो तीन सैकड़े में तीन के बाद दो जीरो लगा देंगे और एक के बाद एक जीरो, दहाई मतलब दो तो एक दहाई है तो एक के बाद एक जीरो और धन दो, दो इकाई मतलब दो अकेला है इसलिए सिर्फ दो। ऐसे ही आपको 415 का, 314 का, 456 का आपको करना है, और इस पे से आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे सैकड़े दहाई इकाई, तो आपको सैकड़े दहाई इकाई की स्थिति ज्ञात हो जाएगी।